आरओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। एनजीटी की बात में कोई कमी नहीं लगती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एनजीटी के आदेशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरओ कंपनी ने जानकारी दे दे कि दिल्ली में पानी के सैंपल्स का जो विवाद है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आरओ बनाने वाली कंपनियों के संगठन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध के खिलाफ अर्जी दी थी और अर्जी के मुताबिक दिल्ली के कई हिस्सों में आरओ फिल्टर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था। तो आरओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हुई है, जिसमें एनजीटी की बात में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। एनजीटी के आदेशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आरओ कंपनी 10 दिनों में अपनी बात मंत्रालय के सामने रखें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एनजीटी ने कई जगहों पर आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। जानकारी दे दें कि दिल्ली में पानी के सैंपल्स का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और आरओ बनाने वाली कंपनियों के संगठन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध के खिलाफ ये अर्जी दी थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का ये जवाब आया है। तो इस अर्जी के मुताबिक दिल्ली के कई हिस्सों में आरओ फिल्टर के उपयोग पर रोक लगी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। बता दें कि दिल्ली में आरओ फिल्टर के उपयोग पर एनजीटी के प्रतिबंध के खिलाफ वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है, ऐसे में इस प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए। आरओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और शिव त्यागी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, जिस तरह से देखा जाए आरओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ठीक है, जिस तरीके से 20 मई को एनजीटी ने आदेश देते हुए दिल्ली में जो भी सीडीएस 500 से ज्यादा था उन सभी इलाकों में आरओ का जो प्लांट है उनको बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज सुनवाई उस मामले में हुई है। जो आरओ संगठन है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी, जिसमें कहा था कि जो एनजीटी का आदेश है इसके खिलाफ जो है वहाँ सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं जो आरओ कंपनी है उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, जिससे आज इस मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई करते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर जो समस्त मंत्रालय है वहाँ पे जाके अपनी समस्या को बताएं, वहाँ पे बातचीत करें। वही जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एनजीटी का आदेश है उसके आदेश के अनुसार ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत आदेश दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जिस सैंपल अभी आए थे ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक करण है सभी पार्टियों का वो पानी को लेके हो रहा है। वही दूसरी तरफ जो आरओ कंपनियां हैं उनके द्वारा जो सुनवाई करने की बात करी गई थी, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट करा गया है कि एनजीटी के आदेश को के अनुसार अभी तक ऐसा कोई नहीं लगता कि दिल्ली में जो इस आदेश को एकदम से हटा देना चाहिए। वही समस्त मंत्रालय में जाके अपनी बात की सुनवाई करवाएं, वही उनसे संबंधित जो दस्तावेज है वहां पर रखे जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में सुनवाई दोबारा की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आरओ कंपनियों ने एनजीटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, आरओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनजीटी की बात में कोई कमी नहीं लगती, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है।